नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस फॉर्टनाइट के यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं हूं दीपक तनवानी और आज इस सेशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र राठौर जी, जो एक फिल्म मेकर हैं और पिछले 20 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी ने हाल ही में एक एक्टिंग बुक स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग वाटर के नाम से रिलीज करी है, जो रिलीज होने के सिर्फ 2 घंटों में बेस्ट सेलिंग बुक का खिताब भी जीत चुकी है। तो आइए जानते हैं इस बुक के और वीरेंद्र जी की जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू दीपक, थैंक यू बुलाने के लिए, शुक्रिया। सर, सबसे पहले आपकी बुक पर बात करते हैं, तो आप हमें आपकी एक्टिंग बुक के बारे में बताइए और कब, कैसे और क्यों आइडिया आया आपको आपके पास इस बुक को लिखने का? ओके, अब जो ये हर जगह अवेलेबल हो गई है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, ये एक्चुअली दीपक जी हुआ ये कि ट्रेडिशनल तरीकों से एक्टिंग सिखाई जा रही थी और जब ज्वाइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं अवेयरनेस लोगों में ला रहा था कि बॉलीवुड के बारे में जाने, तो मुझे ये फील हुआ कि ज्यादातर वो एक्टर जो सीखना भी चाहते हैं, सीखने जाते भी हैं, उनको ट्रेडिशनल तरीका मतलब जो थिएटर वाला तरीका है उससे सिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक गैप आ रहा है। थिएटर वाली एक्टिंग सीख रहे हैं, करना विजुअल मीडियम में काम है और वो भी एक्टिंग वो 3-4 महीने सीख रहे हैं। तो थिएटर का फलसफा क्या होता है दीपक जी, आप तो भोपाल से हैं, भोपाल में तो थिएटर बहुत माना जाता है कि थिएटर जब तक कोई 5-6 साल ना कर ले वो समझ डेवलप नहीं होती। तो ऐसे में जो एजुकेशन या जो नॉलेज जो टेक्निक है वो 5-6 साल में वर्क करती है, उसको हम 3 महीने में सिखा रहे हैं तो काम कैसे बनेगा। और यही वजह है कि फेलुअर्स का या स्ट्रगलर्स का जो दायरा है वो बड़ा होता जा रहा है और सक्सेसफुल लोगों का कम होता जा रहा है। तो मैंने जब एकेडमी की शुरुआत की तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नया करूंगा, क्योंकि बीइंग ए फिल्म मेकर मुझे मालूम है कि कई बार हमने नॉन एक्टर के साथ काम किया है, एवरेज एक्टर के साथ काम किया है, तो वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो हम यूज करते हैं और उनसे काम करा ले। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे एक एक करके नई नई एक्सरसाइजेस डेवलप होती गई। वो एक्सरसाइज जो डेवलप हुई मैंने अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स पे उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले आए कि 10 मिनट के अंदर आवाज चेंज हो जाए, 10 मिनट के अंदर डायलॉग याद हो जाए, 10 मिनट के अंदर आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाए उस करेक्टर से। तो फिर मुझे लगा कि यार अगर इन चीजों को एक बुक की शेप में देकर मैं पूरे हिंदुस्तान में या बाहर तक पहुंचा दूं तो सारे नए एक्टर्स को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि सबके पास उतनी सहूलियतें नहीं होती, सबके पास उतने थिएटर्स नहीं होते, सबके पास महंगी फीस नहीं होती देने की। तो इस मंशा से मैंने इस किताब को लिखा और आज बहुत खुश हूं कि ये नंबर 1 बेस्ट सेलर बनी। सर, आपने इस बुक में कौन कौन से मेथड्स बताए हैं जो एस्पायरिंग एक्टर्स को बेहतर एक्टर बनने में मदद करने वाले हैं? ओके, सबसे पहला तो मैंने उसमें जो चैप्टर 1 दिया है वो ये दिया कि वी आर बॉर्न एक्टर, हम लोग पैदाइशी एक्टर, हम लोग पैदाइशी कलाकार है, है ना। हुआ ये है कि इतने सालों में हमें एक झिझक आ गई है, एक कॉन्फिडेंस दब गया है, हम अंदर से सब एक्टर हैं, बचपन में सबने एक्टिंग की है, बचपन में सबने किसी ना किसी की नकल की है और बिंदास की है। तो पहले चैप्टर में ही मैं बताता हूँ कि वी आर बॉर्न एक्टर और उस पूरी थ्योरी को, फिलॉसफी को, साइकोलॉजी को मैंने अच्छे से समझाया, जिससे कि एक नए आदमी का बिलीव आ जाता है। और आप भी जानते हैं दीपक, एक बार बिलीव आ गया तो फिर कोई रोक नहीं सकता, है ना, तो बिलीव आ जाता है। उसके बाद उसमें मैंने बताया है कि अगर आपको एक डायलॉग प्रिपेयर करना है तो उसके स्टेप्स बताएं कि आपको नंबर 1 स्टेप उसको लाउडली पढ़ना है, क्योंकि लाउडली पढ़ते हैं तो गलतियां समझ में आती हैं, मन में पढ़ते हैं तो गलती समझ में नहीं आती। फिर सेकंड है कि आपके उसके अंदर इमोशनल मार्किंग करनी है, आपको उस डायलॉग को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कैसे करना है वो इसमें बताया गया है। फिर आपको उसको मेमोराइज कैसे करना है, आज सबसे ज्यादा एक्टर्स की प्रॉब्लम होती है कि डायलॉग को याद कैसे करें, लेकिन बाय गॉड ग्रेस वो टेक्निक ऐसी बन गई है कि 5 से 10 मिनट में 10 से 20 लाइन का डायलॉग आराम से याद हो सकता है, तो वो एक्सरसाइज बताई गई है उसमें। फिर होता है कि एक करेक्टर के अंदर कैसे घुस जाए, उसको कैसे अपना लें, उसके लिए एक एक्सरसाइज उसमें बताई गई है, गेट इनटू द करेक्टर। सबसे खास बात यह है दीपक इसकी और जो सबसे आसान बनाती है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड को, वो ये है कि मैंने ह्यूमन साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड में जैसे हम नॉर्मल लाइफ में काम करते हैं उन्हीं टेक्निक्स को मैंने डिस्कवर कर दिया है एक्टिंग के लिए, इसलिए वो असर जल्दी लाती है। और कोई फर्क नहीं, हमारा माइंड जैसे काम करता है मैंने उसी को यूटिलाइज कर दिया, हमारा याद करने की क्षमता कहाँ से आती है उसी को यूटिलाइज कर दिया, तो वो जल्दी कनेक्ट कर जाता है व्यक्ति उससे। और इसी वजह से पेंटल साहब जो कि इतने मशहूर हैं और FTI के वो एक्टिंग हेड रह चुके हैं, उन्होंने इस किताब को रिव्यू किया, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने इसको रिव्यू किया और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि बहुत ही सरल भाषा में मैं सिखाने में कामयाब हो पाया। सर, बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमने देखा है एक्टर्स के लिए बहुत स्ट्रगल रहता है और बॉलीवुड का जब भी अगर कोई नाम एक्टर, एस्पायरिंग एक्ट्रेस है, तो
शुरुआत उनकी स्ट्रगल से ही होती है। कोई भी सोचे बोल अगर इस फील्ड में जाना चाहता है तो वो हमेशा सोचता है कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप किस तरह का स्कोप देखते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स के लिए? मैं तो बहुत दावे के साथ, विश्वास के साथ ये कहूंगा दीपक जी कि आज का समय गोल्डन एरा है काम करने के लिए इंडस्ट्री में, राइट। अब एक ही बात हो सकती है, दो रीजन होंगे जिसकी वजह से कोई एक्टर काम ना कर पाए या कोई सिंगर राइटर डायरेक्टर भी है, तो या तो आपको काम आता नहीं है, मतलब आप उसमें फुल ट्रेंड नहीं है, या फिर आपका अप्रोच गलत है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं। बहुत सारे अच्छे एक्टर अच्छी अप्रोच नहीं रखते तो रह जाते। रही बात स्ट्रगल की, तो ये वर्ड से तो मेरी स्पेशली खिलाफत है इस वर्ड से, क्योंकि स्ट्रगल जैसा कुछ भी नहीं है। मैं भी भोपाल शहर से हूँ, मुंबई 2001 में आया था, तो इस मुंबई शहर ने मुझे सब कुछ दिया है। मैंने कभी स्ट्रगल नहीं की, मैं कभी बेंच पे नहीं सोया, मैंने कभी बड़ा पाव नहीं खाया, मैं मिडिल क्लास फैमिली से, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली अनजाने में इस वर्ड को एक ब्रांड बना दिया गया कि बॉलीवुड मतलब स्ट्रगल। नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल दीपक जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम है कि स्ट्रगल तभी होता है जब कोई चीज आपको मालूमात हासिल नहीं। जैसी उस चीज के बारे में आप जान गए, स्ट्रगल खत्म। तो मेरा ध्यान है जॉइंट फ्रॉम्स यूट्यूब चैनल के द्वारा भी कि आप उसके बारे में जान जाएंगे तो स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। तो हम ये जो मान के बैठेंगे स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, इस चीज को हटाना चाहिए, हमें पता करने पे ज्यादा लगना चाहिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा पता करते जाएंगे वो एक्सप्लोर होता जाएगा मार्केट, और वो छोटी छोटी सफलता अपने आप एक बड़ी सफलता में तब्दील हो जाएगी। सर आपने अभी बताया जैसे कि लोग मान लेते कि हम ट्रेंड नहीं है, इस जगह हम जगह नहीं बना पाएंगे, तो मेरा सवाल ये है कि सर अगर किसी को एक्टर बनना है और वो ट्रेंड नहीं है पर एक्टिंग फील्ड में जाना चाहता है, तो क्या वो उस तरह के स्किल सेट्स बिल्डअप कर सकता है और एक्टिंग फील्ड में जा सकता है? सर 100% जा सकता है। देखिए क्या है, मैंने जैसा कहा कि मेरी शुरुआत ही वहां से हुई कि वी आर बॉर्न एक्टर। मैं अपनी क्लासेस में भी यही कहता हूं दीपक जी कि मैं आपको एक्टिंग नहीं सिखाता हूं, मैं आपके अंदर के एक्टर को डिस्कवर करता हूं, वो है वहीं पर, बस इतने सालों में एक झिझक आ गई है, एक कॉन्शियसनेस आ गई कि यार कोई क्या सोचेगा, मैं सही कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी लोग ऐसा करना चाहते हैं वो इस बुक के माध्यम से बहुत आसानी से चीजों को समझ जाएंगे, एक बिलीव आ जाएगा और वो आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद पहली बार हमने ऐसा भी किया दीपक, ये पहला ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जिसमें कि बॉलीवुड हेल्पलाइन नंबर दिया है हमने, और उस नंबर पे कोई भी कॉल करके गाइडेंस ले सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो ट्रेनिंग ले, लेकिन उसको बॉलीवुड के बारे में कुछ भी जानना है तो उसको वहां पर जानकारी मिल जाए। किसी को सर अगर एक्टर बनना है, एक्टर बनने का सपने से मुंबई आता है वो, तो फिर वो कहां से शुरुआत करे सर, किसको अप्रोच करे, कैसे कहां जाए? ओके, देखिए आपको हमेशा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक एक्टर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे सर्विस इंडस्ट्री काम करती है, तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है कि भाई मेरा टारगेट मार्केट कौन सा है, तो टारगेट मार्केट कौन सा हो गया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत आसानी से समझिएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपके तीन टारगेट हो गए, अब ये तीनों लोग कहां मिलते हैं, तो प्रोडक्शन हाउस हो गया और कास्टिंग एजेंसी हो गई, क्लियर हो गया माइंड। और अब इनसे मिलना हो, जुड़ना हो तो कैसे, बहुत आसान है, आपको अब चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप जाके सारे कास्टिंग डायरेक्टर के इंस्टाग्राम पेजेस और ट्विटर फॉलो कर सकते हैं। आज जैसे ही कास्टिंग होती है ये लोग अपना वहां पे पोस्ट करते हैं, बहुत आसान है आज की डेट में। आज डिजिटल वर्ल्ड में तो ये चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि कोई भी अपने शहर से बैठे हुए ही ऑडिशन दे सकता है, अब मुंबई आना जरूरी नहीं रह गया। सर बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि किसी बड़े एक्टर को देखकर और एक्टिंग एक्टर बनने के लिए मुंबई चले जाते हैं, क्या उनके लिए एक्टिंग करना सही है सर, ऐसे इस नजरिए से चूज करना एक्टिंग को कि बड़े एक्टर को हमने देखा और हम एक्टर बनने चले गए? किसी से इंस्पायर होने में कोई बुराई नहीं, किसी को आइडल मानने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि पहली बार कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन बनता वैसे ही है, अरे यार ये कितना अच्छा एक्टर कर रहा, मैं भी कर लूंगा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि एक्टिंग एंटरटेनमेंट बिजनेस है, बहुत सीरियस बिजनेस है। आप उसके नेम फेम ग्लैमर को देख रहे हैं, वो मिलेगा, लेकिन उसके पीछे की मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो जब भी आप किसी से इंस्पायर होते हैं, होइए, कोई बुराई नहीं है कि मैं आज शाहरुख खान को पसंद करता हूं, मैं एक दिन वैसा बनूं। फिर आप देखो कि शाहरुख खान की जर्नी कैसे रही है, अक्षय कुमार की जर्नी कैसे रही है, शुरुआत तो आपको भी वहीं से करनी पड़ेगी। तो आप उनकी शुरुआत को मान के करें, इंस्पायर होइए, अक्षय कुमार से सुबह 4 बजे उठिए, मेहनत करिए, क्या दिक्कत है, लेकिन उनके ग्लैमर से मिसगाइडेड मत होइए। सर बेसिक स्किल्स पर अगर हम नजर डालें तो बेसिक्स कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में घुसने से पहले? एक्टिंग में बेसिक स्किल आपकी होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छे लिसनर होने चाहिए, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है दीपक, एक्टर जो भी कर रहा है ना वो डिपेंडेंट है। पूरे विजुअल मीडिया में अगर आप देखोगे ना, एक्टर से बड़ा डिपेंडेंट कोई नहीं,
वो जो बोल रहा है वो किसी और ने लिखा है, वो कैसा दिखेगा कैसे चलेगा ये किसी और ने डिसाइड किया, उसने कुछ नहीं, वो तो पपेट है। तो पपेट के लिए बहुत जरूरी है कि वो इशारे समझे, ताली तो पपेट पे ही बजने वाली है, लेकिन तभी जब वो उनकी पपेट बनने को तैयार हो। लेकिन अगर उसमें ईगो आ जाए कि नहीं मुझे तो मालूम है मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप डिपेंडेंट हैं, आप सरेंडर कर दीजिए। आपकी स्किल इतनी होनी चाहिए कि एक्टिंग की समझ हो और डायरेक्टर आपसे जो डिमांड करे वो आप डिलीवर कर पाओ। सर, एक्टिंग के अलावा इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी फील्ड्स हैं और कौन सी हाई स्कोप वाली फील्ड्स हैं सर? मैं तो ये कहूंगा दीपक, इस समय तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बूम आ गया है आफ्टर लॉकडाउन, तो ये मल्टीप्लाई हुआ। जहां बहुत सारी इंडस्ट्री में डिजास्टर हुआ है, ड्रॉप डाउन हुआ है, वहां एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और उछाल आया है बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब नए नए क्रिएटिव लोगों की जरूरत है क्योंकि नया एक मार्केट खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब राइटर भी बहुत सारे चाहिए, अब डायरेक्टर भी बहुत सारे चाहिए, अब प्रोडक्शन पीपल भी बहुत सारे चाहिए, म्यूजिशियन भी चाहिए, सिंगर्स भी चाहिए, एक्टर्स भी चाहिए, सभी लोग बहुत सारे चाहिए। लेकिन हाँ, वही चाहिए जो अपने काम को जानते हैं। देखिए, आप भी जानते हैं, पहले सिंगर्स होते थे चार पांच, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर, मुकेश, मन्ना डे, सातवां आठवां नाम हमें सुनाई नहीं देता था। लेकिन आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि 150-200 सिंगर अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अब वो दौर नहीं रह गया है। 2019 में हाईएस्ट ग्रॉसर एक्टर्स में वो रहे जो स्टारडम वाले एक्टर नहीं है, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, कार्तिक आर्यन, ये वो लोग नहीं है जिनका शाहरुख खान जैसा स्टारडम है, लेकिन हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ 2019। तो ये एक सिग्नल है कि अब बस आप तैयार होके आ जाइए। अब नए चेहरों को लेकर एक्सेप्टेंस आ गया है, अलग अलग चेहरों को लेकर एक्सेप्टेंस आ गया है। अब डायरेक्टर्स के लिए भी बहुत मौके हैं, सिनेमाटोग्राफर्स के लिए भी बहुत मौके, सभी के लिए मौके बढ़े। सर, किसी को ट्रेनिंग लेनी है एक्टिंग की, तो आपकी तरफ से क्या सजेशन देंगे सर? अगर किसी के पास है ना ऐसी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है बट वो इस एक्ट फील्ड में जाना चाहता है, तो कैसे खुद को ट्रेन कर सकता है? जी देखिए दीपक जी, आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड आ गया उसने बहुत सारे ऑप्शन ओपन कर दिए। पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, ऑनलाइन कोर्सेज नहीं होते थे, तो उसमें जाया जा सकता है। वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम ये बुक मंगा के शुरुआत तो की जा सकती है। होता यह है कि जो भी हमारे लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं, यंगस्टर में एक बात होती है कि वो उसी को सबसे ज्यादा टालते हैं। अगर आपका एक्टिंग करने का मन कर रहा है, जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको आज बहुत सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। पहले देखिए, ग्रास्प कीजिए, फिर लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, तो आपको इशारे और रास्ते दोनों मिलने शुरू हो जाएंगे। एक्शन जल्दी लीजिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। अब वो डिपेंडेंसी नहीं रह गई कि आपको महंगी क्लास ही करनी पड़ेगी। आज आपको बताऊं, मैं एक लावण्या करके हमारी स्टूडेंट है ऑनलाइन लाइव क्लासेस की, वो आज अक्षय कुमार के साथ फिल्म कर रही है। 3 महीने अपने घर में रह के उन्होंने दिल्ली से कोर्स किया, 10 साल की बच्ची है, आज सारा अली खान अक्षय कुमार के साथ काम कर रही है और अच्छा खासा काम कर रही है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। 64 ईयर्स के यज्ञेश जी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस की, आज वो वेब सीरीज और गुजराती फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो अब वो नहीं रह गया है, अब आप अपनी जगह पे रहते हो, अपने घर पे शुरू करें। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, यहां आने से पहले तैयारी करें, मैदान में आने से पहले तैयारी करें, मैदान में आने के बाद खेलें। यहां पे आके तैयारी मत करो क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर। करेक्ट सर, बिल्कुल। सर, आपकी जर्नी पर एक बार बात करते हैं। सर, आप भोपाल से आते हैं, और तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई, यानी कब आपने भोपाल छोड़ा, कैसे आपने मुंबई जाने का मन बनाया, और किस कौन सी ऐसी फील्ड थी जहां से आपने इस फील्ड में शुरुआत करी, इस इंडस्ट्री में? तो दीपक, मैं शुरू से ही बीएचएल क्षेत्र में रहा, पिताजी वहां पे डायरेक्टर एक्टर थे, तो मैं वहां पे एक्टिंग वगैरह करता था, बड़ा मजा आता था मुझे। लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा चलता था कि यार पापा, मैं ये काम तो करूंगा लेकिन इसके पैसे लूंगा। तो वो हंसते थे मेरे ऊपर, क्योंकि तब तो थिएटर करना, रामलीला करना, मतलब जेब से पैसे डालना। तो वो हंसते थे कि इस काम में कौन पैसे देगा तुमको। तो मैं बता, मुझे नहीं पता कैसे होगा। फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई जब मैं कॉलेज में था, फिर थोड़े दिन कुछ मामले चले, मैं स्ट्रगल वर्ड नहीं बोलूंगा, वो चलता है, सबकी जिंदगी में आता है। फिर मुझे लगा कि मुझे नौकरी करनी चाहिए जैसे सबको लगता है, तो मैंने कुछ 45 जगह इंटरव्यू दिया, 25 जगह सिलेक्शन, और 1 जगह से मैंने आधे महीने की तनख्वाह ली, और समझ में आ गया कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कि मेरे को तो मीडिया इंडस्ट्री में जाना है, और तब मैं एक्टर ही बनना चाहता था। एक्चुअली सब लोगों का पहला ख्याल एक्टिंग ही होता है, मेरा भी था कि मैं एक्टर बनूंगा, और एक्टर भी ऐसा वैसा नहीं, मैं उधर जाऊंगा और शाहरुख खान की छुट्टी हो जाएगी, उस लेवल का कॉन्फिडेंस था। तो मैंने बोला कि मेरे को तो यही करना है, लेकिन भोपाल में अब कुछ मौके नहीं। तो पता चला कि जी टीवी का सिटी केबल आ रहा है,
तो मैंने मालवीय नगर के चक्कर लगाने शुरू किए मिनी बस में जाके, तो वो पूरी डिश एंटीना लग रही थी, मैं रोज जाता। फिर एक दिन हो गया तो उन्होंने बोला कि भाई अभी तो कोई काम नहीं है, न्यूज रीडिंग का काम है। तो मैं ठीक है मैं करना चाहता हूँ, तो बोले ऑडिशन दो। तो मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया। अनुराग उपाध्याय जो अभी इस समय बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, वो सैम प्रोड्यूसर होते थे सिटी केबल के भोपाल में, तो उन्होंने सिलेक्शन किया मेरा। उसके बाद एक दिन न्यूज पढ़ी तो दीपक मुझे मजा नहीं आया, मैंने तो बड़ा बोरिंग काम है यार। और तब तो न्यूज क्या ड्रामेटिक नहीं होती थी ना, अभी जैसी है, अभी तो एंटरटेनमेंट आ गया है, तब न्यूज बड़ी सीधी सीधी होती थी तो मुझे मजा नहीं आया। तो मैंने बोला मुझे एंटरटेनमेंट में जाना है, तो बोले ठीक है ऑडिशन दो। फिर मैंने ऑडिशन दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो होने लगा, बाय द टाइम मुझे डिस्कवर हुआ कि मुझे सिर्फ एंकरिंग में मजा नहीं आ रहा है, मुझे पूरे प्रोसेस में मजा आ रहा है। मैं एडिटिंग में जाके बैठता था, मैं स्क्रिप्ट राइटर के साथ बैठता था, और धीरे धीरे ये टाइम बना कि मैं सारे काम खुद करने लगा, डायरेक्शन, वॉइस ओवर, एडिटिंग में बैठने लगा, सारे काम। और भोपाल शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं सही बताऊं, ये भोपाल शहर का होमवर्क है कि मुंबई में आज मैं चार बंगला जैसे एरिया में बैठा हूं, ये वहां का होमवर्क है। वहां के लोग हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, काम करने दिया, मौके दिए। तो सिटी केबल काम किया, सीटीवी में बहुत काम किया, सीटीवी ने मेरे टैलेंट को बहुत एक्सप्लोर किया। फिर दूरदर्शन में मैंने बहुत काम किया, और मैंने ये तय किया था कि एक एक्स अमाउंट जब अर्न कर लूंगा तो भोपाल शहर छोड़ दूंगा। तो वो मौका आया दीपक 2001 में, तो मैंने बोला अब शहर छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिमिट पूरी हो गई है। तो तब तक ये माइंड क्लियर था कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, ये क्लियर था कि मुझे अब एक्टर नहीं बनना, मुझे फिल्म मेकर बनना है, ये माइंड क्लियर था। लेकिन फिल्म मेकर बनना है तो मुंबई शहर अलग है, वहां पे काम करने के तौर तरीके अलग है। तो मैंने ये सोचा मैं हर डिपार्टमेंट में कर करके देखूंगा। तो मैं 2001 में मुंबई गया और मैंने एक्टिंग से शुरुआत की। एक्टिंग में काम किया कुमकुम में, और एक दो सीरियल में काम किया, फिर क्यूट किया, फिर मैं डबिंग में गया, फिर डबिंग से क्यूट किया, डबिंग डायरेक्टर बना, डबिंग राइटर बना, राइटर बना तो कभी आए ना जुदाई, कहता है दिल, कुमकुम, ऑफिस के मैंने 26 प्लॉट आइडियाज लिखे जो बड़ा हिट था उस टाइम पे सीरियल। फिर मैं डायरेक्शन में गया, और मैं ये गोल सेट करके आया था दीपक कि मैं 2005 तक अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा नहीं पता था, पैसे कहां से आएंगे नहीं पता था, बट ये था कि हाँ बनाऊंगा बस। तो वो मौका आ गया मेरे पास 2004 में मैंने अपनी फिल्म शुरू की, और 2005 फरवरी 11 तारीख को मैंने पहली अपनी हिंदी फिल्म एज ए को प्रोड्यूसर रिलीज भी कर दी, वाइफ है तो लाइफ है। और उसके बाद भोजपुरी फिल्म बनाई, फिर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चला गया। तो इस तरह कहीं ना कहीं सिलसिलेवार चीजें चलती चली गई। आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, अभी किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं और आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब और कौन सा आने वाला है? ओके, तो दो तरह से मैं दो एवेन्यूज पे काम कर रहा हूँ दीपक। आपके माध्यम से नए लोगों तक बात पहुंचेगी तो और भी अच्छा, उनको बेनिफिट मिलेगा। एक तो मैं वेब सीरीज प्रोडक्शन काफी कर रहा हूँ। इस समय मैं 3 वेब सीरीज ऑलरेडी बना चुका हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, और इस साल में आने वाले टाइम में करीब 5 वेब सीरीज और प्रोड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने 2 यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं, जॉइंट फिल्म्स म्यूजिक। उसमें मैं ना जितने भी सिंगर या म्यूजिक कंपोजर हैं उनको मौका दे रहा हूँ कि आप अपनी ऑडियो ट्यून बनाइए, मुझे दीजिए, उस पर वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं शूट करूंगा, मैं उस पर रिलीज करूंगा, और हम ही उसको जॉइंट फिल्म ही उसको प्रमोट भी करेगा। क्योंकि आज हर सिंगर कंपोजर के लिए मुश्किल होती है कि वो वीडियो नहीं बना पाता, राइट? Yes. तो उससे उसको पहचान मिलेगी और उसको फिर आगे वो यूटिलाइज कर सकता है। फिर दूसरा हमने जॉइंट फिल्म्स ओरिजिनल करके एक आईपी क्रिएट किया है यूट्यूब पर ही। उसमें मैं सभी डायरेक्टर्स को मौके दे रहा हूँ कि आप अगर आते हैं, आपका सब्जेक्ट मुझे पसंद आता है, तो हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, शॉर्ट फिल्म को या वेब सीरीज को, या आपने कुछ बना लिया है और आप हमारे साथ मिलकर रिलीज करना चाहते हो तो हम रेवेन्यू शेयर मॉडल पे उसको रिलीज भी। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा सर कि किसी को आपके एकेडमी या आपके साथ जुड़ना है, आपके अंडर ट्रेन करना है, तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर? आजकल तो गूगल आंटी सब कुछ बता देती है तो गूगल पे सर्च करके भी जॉइंट फिल्म्स को देखा जा सकता है, यूट्यूब पे सर्च करके दे, क्योंकि इस समय यूट्यूब का नंबर 1 चैनल है जॉइंट फिल्म्स इन्फॉर्मेटिव। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड की गॉसिप्स और फेक न्यूज तो बहुत सारी आती है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव चैनल में नंबर 1 चैनल है, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके, तो वहां से वो जुड़ सकते हैं और जॉइंट फिल्म्स का नंबर उनको मिल जाएगा गूगल से, वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा किसी को भी आना है तो जॉइंट फिल्म सपोर्ट टीम से पहले समझ ले इंडस्ट्री को, या किसी के माँ बाप हैं उनको डर लगता है, तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया, बस आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसको फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा पसंद किया। हमने शुरू किया कि हम एक बॉलीवुड पेरेंट्स वर्कशॉप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा, ये मैं ऑनलाइन करता हूँ। तो जो माँ बाप भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या जो माँ बाप डरे हुए हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि कितने मौके हैं। तो उससे अभी तक बड़ी खुशी है मुझे कि अभी तक 844 पेरेंट्स मान गए हैं कि हाँ बॉलीवुड में जाना चाहिए।
वेरी इंटरेस्टिंग सर. एक और क्वेश्चन मेरे मन में है सर अभी, कि बहुत सारे जो एक्टर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, टीवी इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री में, वो हमेशा अपने फैंस को या अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको बोलते हैं कि आप जब भी इस इंडस्ट्री में आए तो एक बैकअप लेकर आए हैं आप, कि आप इस फील्ड के साथ साथ कुछ और भी काम करिए, कि आपके पास बैकअप होना चाहिए. इस पर आपकी टिप्पणी सर. मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरा मानना है एक ताकत, पूरी ताकत जिंदगी की उसी पर लगा दो. और अगर मैं सही बताऊं ना दीपक जी, मेरी फिलॉसफी तो ये है, साइकोलॉजी है, एक्चुअली लाइफ में कभी भी प्लान बी नहीं होता है, होता ही नहीं है. जब भी आप प्लान बी बनाएंगे, प्लान ए में जरा सी तकलीफ आएगी, प्लान बी ए बन जाएगा, बन ही जाएगा. लेकिन और लाइफ में कभी प्लान बी नहीं था. हम जब पैदा हुए तो हमने भगवान से नहीं पूछा भाई यही माँ बाप होंगे कि प्लान बी भी कुछ है, बताओ जरा, या अमिताभ बच्चन क्यों नहीं है, है ना. या हमने कोई ऐसा नहीं किया कि यार मेडिकल की तैयारी करें तो यार प्लान बी बैंकर की भी तैयारी कर लो या चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी तैयारी कर लो. जब भी आप बड़ा काम करने निकले तो एक ही प्लान होगा, एक ही प्लान होगा. ऐसा नहीं, मैं तो कई बार भड़काता भी हूँ थोड़े से यंगस्टर को, बोले नहीं सर घर वाले कहते हैं कि प्लान बी होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ ऐसा करना जब शादी हो तो उनको बोलना सर प्लान बी बताओ, प्लान ए नहीं चला तो. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. हाँ जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर. होपफुली इस सेशन से हमारे व्यूअर्स को और बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी सर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.